हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। अटलांटिक महासागर का बरमूडा ट्रायंगल दशकों से लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर यहां कोई समुद्री जहाज या हवाई जहाज पहुंच जाए तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। सन 1970 में एक पायलट ट्रायंगल से लौट के आए थे, जिनका नाम पीयूष गिरल है। इन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पहुंचने पर अचानक से मौसम में परिवर्तन आ जाता है और वहां सभी प्रकार के रेडिएशन बंद हो जाते हैं। लेकिन अब बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पूरी तरह से खुल चुका है। इसका असली कारण यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के नीचे ज्वालामुखी है, जिससे अनेक प्रकार की खतरनाक गैस निकलती है और ये गैसें पानी से क्रिया करती हैं, जिससे वहां के पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल में जहाज डूब जाते हैं, क्योंकि जहाजों को समुद्र के घनत्व के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में पानी का घनत्व कम हो जाता है, इस कारण से वहां सभी चीजें डूब जाती हैं। और दूसरा कारण इसका यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के एरिया में छोटे छोटे पहाड़ हैं और जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, जिससे वहां चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और ये चक्रवात समुद्र के पानी को विशाल लहरों में बदल देता है। अगर कोई हवाई जहाज इन चक्रवातों में फंस जाता है तो इस कारण से दुर्घटना हो जाती है। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का इन्हीं प्रकार के अनेक कारणों से वहां अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं और होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।